बच्चों, क्लास 11 के एमसीक्यूज हैं ये। मैं 60 एमसीक्यूज दूंगा आप लोगों को, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग यही कर लें तो बोर्ड के एमसीक्यूज आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ट्रिवियल होंगे, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे होते जाएंगे। कुछ सॉल्व करने वाले होंगे, मैं साथ साथ आपको स्क्रीन पर उसके गैस देता जाऊँगा सॉल्व करके। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नंबर वन इज़ इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर सच डैट ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो बताएं इनमें से कौन सी बात ट्रू है। तो आप बेशक दो नंबर ले लीजिएगा जिसमें ए 2 है, बी 3 है, और जो सी है वो कोई कोई भी आप रख लें, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए। सी की वैल्यू -2 रख लें, -4 रख लें। इधर इनमें पुट करें, जो सा जस्टिफाई करेगा वो हो जाएगा। तो पहला वाला जस्टिफाई करेगा, फर्स्ट ऑप्शन, ए सी ग्रेटर देन बी सी। उसके बाद व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस। कन्वर्स के लिए आप जो सेकेंड टर्म है पहले कर देंगे, पहली टर्म बाद में कर देंगे, तो क्यू इम्प्लाइज पी आ जाएगा। द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज द ग्रुप अंडर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। रैशनल नंबर जो होते हैं वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होते हैं, बाकी ना वो सब्ट्रैक्शन में कुछ होते, एडिशन में कुछ होते, और ना वो डिवीजन में कुछ होते, ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास फोर्थ वन, आपने लेमडा कैलकुलेट करना है और आपके पास ये सिंगुलर दिया हुआ। सिंगुलर के लिए आपने 100, 2 लेमडा 0 और 1, 2, 3, ये जीरो के बाद रखना है, और प्लस माइनस प्लस डाल के ओपन करेंगे तो लेमडा 0 आंसर आ जाएगा। बी इजी है ये काफ़ी, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा फिफ्थ वन, स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या होता है। स्क्यू सिमेट्री के लिए ये वाला लॉ होल्ड करता है कि किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज लें वो माइनस ए के बराबर आता है या माइनस इधर ले वाई की बात है। इसके बाद पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय दिस, क्वेश्चन इज दिस, रिमाइंडर इज टू, एफ ऑफ एक्स विल बी ये वाला होगा। इसमें पुट करके वैल्यू चेक कर लिएगा, ये जस्टिफाई करना चाहिए। और इसके बाद क्या होगा कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसके बाद आ जाएगा कि थर्ड, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सेकंड वाली लिखी हुई है, उसको चेक कर लेना है। एट में पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हम ये देखना है कि ये क्या प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, तो पहले क्या करवाएंगे इनको डिवाइड। तो डिवाइड करवाने से क्या होगा कि इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, प्रॉपर में, और प्रॉपर में करके इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। इसके बाद बच्चों फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज दिस, इसमें एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर 5 आएगा। एस इन्फेनाइट दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, आपने कॉमन रेशो निकालनी है, तो कॉमन रेशो का आंसर बी 4/b आएगा। चेक कर लिएगा, आपके पास एस इन्फेनाइट का फार्मूला होता है a1/(1-r). तो एस इन्फेनाइट दिया हुआ है 2/3, a1 या a है 2/7, और 1-r आपने निकालना है। तो क्या करेंगे, तो 2/3 2/7 × 1-r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 2 = 14, 1-r एंड 3 × 2 = 6। सो ये क्या हो जाएगा, 1-r = 6/14, सो 1-r = 3/7, और 1-r = 3/7, 1-3/7 = r, तो 4/7 आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स, द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये जो नीचे वाला नंबर है अगर उसका मॉड 2 से लेस होगा तो कन्वर्जेंट होगा। व्हाट विल बी द सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज आर्क लेंथ ऑफ मेजर 4 इज द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस। आपके पास ये एल दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, आपने रेडियस निकालना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाएं तो आ जाएगा आंसर। उसके बाद आपके पास एक डी पॉइंट है टर्मिनल साइड पर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा, तो उसका ऑप्शन डी है। इसके बाद आपके पास NC4 = NC10, एन निकालना है, तो एक लॉ है जो कि इस तरह का लॉ है। तो आपने N-4 को 10 के बराबर रखा, तो N-4 = 10, तो N उधर जाके एड अप हो जाएगा और 14 आंसर आ जाएगा। सी हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 3-डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय द यूजिंग दिस इफ ईच, इसका आंसर 120। आप लोग फार्मूला वगैरह चेक कर लिएगा बुक से, बुक में क्वेश्चन है ये। इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, तो मिडिल टर्म इसकी 8 आएगी फार्मूला के थ्रू, चैप्टर 8 में फार्मूला होगा इसका।
अच्छा जी, ये 2 पाई बाय 3, ये 270 बनता है, तो 270 ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, 270 में से कुछ कम हो रहा है, ये माइनस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आंसर आ जाएगा। इसका पीरियड निकालना है, हर एक की जगह पुट करेंगे तो पाई आएगा। एक लैडर है जो कि 30 डिग्री बना रही है, जिसकी हाइट है 8 मीटर, लैडर की लेंथ निकालनी है, तो आपके पास यूँ फार्मूला बनेगा 30 डिग्री, और ये क्या था, 8 मीटर, और ये आपने लैडर की हाइट निकालनी है, तो ये हाइपोटन्यूज हो जाएगा आपके पास, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटन्यूज है। सो टैन लगा लें थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, नहीं नहीं टैन नहीं लगेगा, सम पीपल हैव, यस साइन लगेगा, साइन 30 विल बी इक्वल टू पीपल ओवर हाइपोटन्यूज, पीपल 8 है और हाइपोटन्यूज एल है, साइन 30 0.5 होता है, एल को उधर ले आएंगे तो 8 ओवर 0.5, तो ये 16 आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा, वेरी गुड। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स? दिस, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में लिखेंगे तो -30 डिग्री आ जाएगा, और ये -30 डिग्री है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसको जीरो के बराबर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस के लिए पहले आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 8√8 आयोटा आयोटा -1 प्लस 8 आयोटा, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन का आपने मॉडुलस निकाल लेना है, तो आपके पास 24 समथिंग आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आयोटा के बराबर आएगी। इन्वर्स निकालना है, पहले हमने कन्वर्स देखा था, तो इन्वर्स निकालने के लिए आपने दोनों के साथ निगेशन नेगेटिव साइन लगा देना है। डिटरमिनेंट लेना है इसका, जब भी सेम टर्म्स आ जाएं तो डिटरमिनेंट जीरो होता है, याद रखना है आपने। उसके बाद इसका इन्वर्स नहीं है तो बताएं किस वैल्यू के लिए नहीं है, तो ये 5 आएगा इसका आंसर, चेक कर लेगा आप लोग इन्वर्स निकाल कर, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। विच द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस? तो ये 6 आंसर आएगा, चेक कर लेना आपने। -1 इसका रूट है, बताएं पी की वैल्यू कितनी है, तो जहां जहां पर एक्स है वहां पे -1, यहां पर यहां पर यहां पर पुट करना है, सॉल्व करना है, तो पी की वैल्यू -2 आएगी। इनमें से किसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये है, सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, बी ऑप्शन है। ए एम और एच एम दिया हुआ है, एच एम बिटवीन 6 एंड दिस, ए एच निकालना है हर, ठीक है, मैथमेटिक। और इफ वन इज द पॉजिटिव जी एम बिटवीन सीकेंड एंड कोसेकेंड टेन थीटा, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री। उसके बाद इन हाउ मेनी वेज 5% कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल फोर, क्योंकि एक को फिक्स कर देंगे बाकी बच जाएंगे 1, 2, 3, 4, तो इन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। लास्ट टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन की, वो b/6 आएगी। और विच द फॉलोइंग एंगल दिस को टर्मिनल एंगल, 120 जो उसके मल्टीपल में जा रहा हो, वो चेक कर लेना आप। फॉर व्हाट एंगुलर वैल्यू ऑफ थीटा अ पॉइंट इज ऑन द टर्मिनल साइड π/6, विच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉस दिस एंड कॉस दिस, का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। पीरियड निकालना है कॉट का, तो वो 2π आएगा, जब आप इसमें पुट करेंगे कॉट x/2 प्लस पाई, एलसीएम लेंगे तो कॉट x+2π/2, तो ये 2π आ जाएगा। एरिया निकालना है ट्राइंगल का, बी और सी और अल्फा दिया हुआ है, वो फार्मूला ये आएगा। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 लाइट्स एट अ टाइम सेम टाइम, तो 5p3। व्हाट डज साइन पाई प्लस साइन इनवर्स स्टैंड फॉर? -x। इसका मॉडुलस निकालना है आपने, पहले इसको रैशनलाइज कर लेना है, 1 -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाकर, और जो आंसर आएगा उसको आपने अंडर रूट ले लेना है, तो मॉडुलस 1 आ जाएगा, चेक कर लिएगा आप लोग। जिस बच्चे से ना हो वो बताए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद -iota की पावर 17 -iota आएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका निकालना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इसको पहले करते हैं, इसको बाद में करते हैं, और नेगेटिव साइन चेंज कर देते हैं। इसका डिटर्मिनेंट -1, सॉल्व करके देख लेना आप लोगों ने। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ इन्वर्स, सेल्फ इन्वर्स के लिए आप लोग ये फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे कि कौन सा सेल्फ इन्वर्स है, तो फिर पता लग जाएगा आपको किसका आंसर सेम आ रहा है। विच द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इनमें से x=2, x=-2,
एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू थ्री, ये पुट करना है बारी बारी, जिसमें जीरो आएगा वो उसका फैक्टर होगा। विच इज द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस 24। एक्स की जगह पे आपने अंडर रूट थ्री पुट कर देना है तो आंसर आ जाएगा। किसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये है, बी की है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, वन ओवर थ्री, वन ओवर फाइव, वन ओवर पी आर इन एच पी सेवन। सॉल्व करें आप बच्चे सब इसको, जो नहीं समझ आए मुझे पिक्चर लेके भेजें, मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व होता है। ए 15 और ए 10 25 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, फॉर्मूला लगाएं ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, सॉल्व करके डी आ जाएगा। अच्छा जी, अ बॉय हैज 7 ट्राउजर्स एंड 10 शर्ट्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन सेलेक्ट अ ट्राउजर एंड अ शर्ट। 70 मल्टीप्लाई किया दोनों को। इन हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ हेक्सागन, सी 6 2 माइनस 6। हेक्सागन है, 6 साइडें फिक्स होंगी तो वो माइनस कर देंगे, बाकी 6 2 हो जाएगा। फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू एन फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2n प्लस 1। 4 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर 7, देन वैल्यू ऑफ सेकेंट स्क्वेयर थीटा इज 7 बाय 6। कॉस थीटा इज 1 बाय 2, साइन 3 थीटा निकालना है आपने, तो साइन 3 थीटा का आपने फॉर्मूला देख लेना है क्या, देन आपके पास ये जीरो आ जाएगा, पुट करेंगे वैल्यूज। तो पीरियड निकालना है इसका, इस चीज का पीरियड पे कोई असर नहीं होता, जस्ट आपने एक्स बाय 5 में 2 बाय ऐड कर देना। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा। उसके बाद विच इज द फॉलोइंग, विच इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अंडर रूट 3 आएगा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एक साइड है और 3 एंगल्स हैं, तो 1 ओवर 2 बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर साइन बीटा। उसके बाद साइन साइन इनवर्स इक्वल टू, ये कट के 1 आ जाएगा। इनमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन निकाल के चेक करेंगे तो ये नहीं है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ एंगल ऑफ अंडर 3 टाइम्स इज कोसाइन। आपने देखना है कोसाइन की वैल्यू किस पे ये देती है, तो 60 डिग्री पे अंडर 3 देती है टाइम समथिंग। तो ये आपके पास 60 एमसीक्यूज है, इनमें से जो प्रॉब्लम करे आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं वो आपको सॉल्व करके शॉर्ट शॉर्ट वीडियो दे दूंगा। आपने इस साल के पेपर के लिए, जो आने वाले के दिनों में पेपर है, जिस मर्जी बोर्ड से आप ताल्लुक रखते हैं, ये वाले एमसीक्यूज 60 प्रैक्टिस कर लें, इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, तो आपके इंशाल्लाह एमसीक्यूज हो जाएंगे अच्छे से। अल्लाह हाफिज़।